सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गाजीपुर किराना व्यापारी के साथ हुए लूटकांड के खुलासा करने वाले पुलिस कर्मियों का काशी खाद्य व्यापार मंडल द्वारा किया गया सम्मान। पंडित कमलापति त्रिपाठी की मनाई गई 117वीं जयंती, सम्मानित किए गए 3 वरिष्ठ पत्रकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में लगाई हाजिरी, बाबा काल भैरव व संकट मोचन मंदिर के दरबार में टेका मत्था। और पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के 100 क्षेत्रों के सांसद सदस्यों एवं सांसद प्रतिनिधियों के संपन्न हुई बैठक। और अब खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मंदिरों में मत्था टेके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वाराणसी दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर व बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया। उसके बाद उन्होंने संकट मोचन में भी पूजा पाठ किया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह काशी दौरे पर हैं। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार की सुबह संकट मोचन दरबार में दर्शन पूजन करने पहुंचे। दर्शन पूजन करके रक्षा मंत्री ने देश की उन्नति और तरक्की के लिए प्रार्थना किया। संकट मोचन दरबार पहुंचकर बजरंगबली की विधिवत पूजन अर्चन के बाद उनकी आरती भी की। इसके बाद संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वंभरनाथ मिश्र से मंदिर के लाउंज में बैठकर शिष्टाचार मुलाकात किया और काशी के बारे में चर्चा किया। इस दौरान मंदिर के महंत ने रक्षा मंत्री को माला प्रसाद भेंट किया। इस दौरान मंदिर में आम दर्शनार्थियों का प्रवेश रोक दिया गया था। रक्षा मंत्री ने मंदिर से निकलते समय मुख्य द्वार पर खड़े जन समुदाय का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। मुख्य द्वार पर खड़े लोगों ने इस दौरान रक्षा मंत्री के साथ सेल्फी भी ली। शुक्रवार को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित देखो हमारी काशी नामक पुस्तक के लोकार्पण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। शुक्रवार को सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित देखो हमारी काशी नामक पुस्तक का लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बनारस रसों का ऐसा रसायन है जिसमें कई तत्व हैं। काशी ऐसी है जहां एक छोर पर बेजोड़ ठाका है तो दूसरे पर गहरा अवसाद, एक तरफ व्यंजनों का बाजार है तो दूसरी ओर संघर्षों का अवार अंबार, एक सीढ़ी पर चुंबकीय आशक्ति है तो दूसरी पर विरक्ति। इसका बहुत से लोगों ने अपने साहित्य में उल्लेख किया है। मुख्य अतिथि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि काशी अद्भुत नगरी है। केरल से आए शंकर को आदि शंकराचार्य बना दिया। एक श्लोक का उल्लेख करते उन्होंने कहा कि जिसे सत्य की अनुभूति हो जाए उसके लिए सारी दुनिया काशी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने भारतेंदु हरिश्चंद की एक प्रचलित कविता देखी तुमरी काशी की बेबाकी का उल्लेख करते हुए कहा कि आज सत्य कहने में डर लगता है। बेबाकी से सत्य कहने वाले लोग जो शब्द लिखते हैं उस पर आपत्ति होती है तो समाज की परिपक्वता पर प्रश्न चिन्ह होता है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, महापौर मृदुला जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, मंत्रीगण अनिल राजभर, आशीष पटेल, डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, दयाशंकर सिंह, रविंद्र जायसवाल, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर ए के त्यागी व पूर्वांचल विश्वविद्यालय की निर्मला मौर्य, पूर्व मंत्री महेश शर्मा, आरएसएस के भैया जी जोशी समेत पद्म पुरस्कार विजेता साहित्यकार, लेखक, पत्रकार, व्यापारी आदि मौजूद थे। ये पुस्तक सभी के द्वारा पढ़ी जानी चाहिए और वाह काशी के बारे में काफ़ी हद तक लोगों को जानकारी मिलेगी कि मूल रूप से काशी कैसी है हमारी। जिस ढंग से लोकार्पण हुआ है मैं कह सकता हूं कि समाज में विभिन्न पुस्तक विमोचन के समारोह में हम लोग जाते रहते हैं, लेकिन काशी पर जिस ढंग से इस पुस्तक का विमोचन हुआ, उनकी छोटी छोटी जो कथाएं हैं उनके इर्द गिर्द जो पात्र घूम रहे थे उन पर उन्होंने लिखा है, वास्तव में काशी नगरी जिस ढंग से जीवंत नगरी है वैसे आसपास पात्रों को जीवंत ढंग से लिख करके आदरणीय हेमंत शर्मा जी ने उत्कृष्ट लेखनी का परिचय दिया है। मैं बहुत बहुत
शुभकामनाएं देता हूं पुस्तक की सफलता के लिए। पंडित कमलापति त्रिपाठी की 117वीं जयंती के अवसर पर पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन द्वारा औरंगाबाद में शनिवार को जयंती एवं पत्रकारिता सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पंडित कमलापति त्रिपाठी की 117वीं जयंती पर पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन द्वारा औरंगाबाद में शनिवार को जयंती एवं पत्रकारिता सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बीएचयू आईआईटी के आचार्य एवं संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा एवं नेहरू ग्राम भारतीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर राम मोहन पाठक थे। समारोह में वरिष्ठ पत्रकार चक्रवर्ती गणपति नावड़ को 50,000 तथा कृष्णदेव नारायण राय एवं राजीव कुमार ओझा को 25,000 की सम्मान राशि के साथ फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त विजय शंकर पांडे एवं सतीश चौबे को भी शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। समारोह का आरंभ वैदिक मंगलाचरण से हुआ। धन्यवाद ज्ञापन बैजनाथ सिंह ने तथा संचालन विजय कृष्ण अनु ने किया। गाजीपुर से वाराणसी आए किराना व्यापारी तबरेज अहमद से हुई लूट की वारदात का पर्दाफाश हुआ, जिसमें सम्मिलित पुलिस अधिकारियों को काशी व्यापार खाद्य मंडल द्वारा सम्मानित किया गया। विगत दिनों गाजीपुर से वाराणसी आए किराना व्यापारी तबरेज अहमद से थाना चौक के अंतर्गत दिन दहाड़े 8 लाख रुपए लूट करने वाले ईरानी गैंग को 7 दिन के अंदर गैंग के कुल 6 सदस्यों की गिरफ्तार कर लूटी गई रकम में से कुल 7,37,000 रुपये नकद तथा लूट में प्रयुक्त टवेरा गाड़ी तथा 2 मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया था, जिसको लेकर शनिवार को काशी खाद्य व्यापार मंडल द्वारा पुलिस उपायुक्त जोन काशीराम सेवक गौतम, अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी राजेश कुमार पांडे, सहायक पुलिस आयुक्त दास समेत अवधेश कुमार पांडे, प्रभारी निरीक्षक चौक शिवाकांत मिश्र के साथ साथ गिरफ्तारी में सम्मिलित क्राइम ब्रांच वाराणसी, सर्विलेंस सेल वाराणसी तथा थाना चौक के पदाधिकारी कर्मचारीगण को प्रशस्ति पत्र देकर तथा माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया और समस्त पुलिस बल का मनोबल बढ़ाते हुए कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। समस्त कार्यक्रम काशी खाद्य व्यापार मंडल के अध्यक्ष कृष्ण शरण दास, महामंत्री सत्येंद्र अग्रवाल, कोषाध्यक्ष आलोक नागर एवं सदस्य राम माहेश्वरी, मनमोहन अग्रवाल, रमेश चंद अग्रवाल एवं राकेश अग्रहरी के द्वारा आयोजित किया गया। इंटर स्टेट गैंग था, उसको केस को वर्कआउट करने में जो पूरी टीम ने कार्य किया था, उस पूरी टीम को आज व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने सम्मानित किया, तो निश्चित रूप से ये एक सुखद दिन है। और जो व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पूरी टीम को सम्मानित किया, मैं पुलिस की तरफ से उन सभी को धन्यवाद भी देता हूं और निश्चित रूप से आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि कार्य का जो फल है निश्चित रूप से मिलता है और अच्छे तरीके से हम और मोटिवेट होकर के कार्य करेंगे और पूरी टीम कार्य करेगी, जिससे कि जो है किसी भी प्रकार का कोई अपराध घटित न होने पाए, व्यापारिक गतिविधियां और अच्छे तरीके से चलें और वाराणसी के जो आम लोग हैं वो अपनी सुरक्षा महसूस करें और अपने कार्यों को अच्छे तरीके से अंजाम दें। पिछले दिनों एक गिरोह द्वारा टप्पेबाजी की घटना हुई थी। दिलदार नगर गाजीपुर का व्यापारी था हमारा, उसके 8 लाख रुपये की टप्पेबाजी हुई थी, जिसका पुलिस प्रशासन ने खुलासा किया, वर्कआउट किया। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग पुलिस प्रशासन का व्यापारी व्यापार मंडल सम्मान समारोह रखे हैं, क्योंकि अगर हम लोग हमेशा उनकी आलोचना करते हैं, कोई काम नहीं होता है, आंदोलन करते हैं, तो वर्कआउट होने पे हम लोग उनका सम्मान समारोह भी करें, उनको उनका मनोबल बढ़े कि एक अच्छा कदम हुआ, हम लोग पुलिस ने किया काम अच्छा, वर्कआउट किया। वाराणसी मंडल सेवी क्षेत्रों के सांसद प्रतिनिधियों के साथ महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे अशोक कुमार मिश्र ने बैठक की। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के सोवित क्षेत्रों के संसद सदस्यों एवं संसद प्रतिनिधियों के साथ महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे अशोक कुमार मिश्र ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के भारतेंदु सभाकक्ष में बैठक की। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक रामाश्रय पांडे सहित पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय के प्रमुख विभागाध्यक्षों एवं मंडल के शाखा अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कोरोना काल में हुई तालाबंदी के दौरान रेलवे प्रशासन द्वारा किए गए राहत एवं बचाव के कार्यों, यथा मालगाड़ियों का संचालन, ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु ऑक्सीजन एक्सप्रेस का संचालन एवं वर्तमान में वाराणसी मंडल और पूर्वोत्तर रेलवे में आधारभूत संरचनाओं में हुई प्रगति, दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण के साथ स्टेशनों पर यात्री सुविधा के विकास कार्यों एवं पिछली बैठक में दिए गए प्रस्तावों पर अमल करने के लिए महाप्रबंधक एवं मंडल रेल प्रबंधक को धन्यवाद किया।
कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे ने बताया कि कुशीनगर नेपाल से लगा हुआ क्षेत्र है जो बौद्ध सर्किट के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। इससे जुड़े कसिया क्षेत्र में कोई रेलवे सुविधा नहीं है, कृपया सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि तमकुही रोड छितौनी रेल लाइन एवं पड़रौना कुशीनगर गोरखपुर रेल लाइन का कार्य अभी तक लंबित है, इसे शीघ्र चालू कराया जाए। भदोही के सांसद रमेश चंद बिंद ने ज्ञानपुर स्टेशन पर बुजुर्ग दिव्यांग यात्रियों की सुविधा के लिए एस्केलेटर का प्रावधान करने, अहमनपुर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म हाई लेवल किए जाने, हंडिया स्टेशन का यात्री आरक्षण केंद्र बनाने, ज्ञानपुर स्टेशन का सुंदरीकरण करने एवं स्वचालित सीढ़ियां लगाने एवं माधो सिंह चिल्ल रेलवे लाइन को पुनः चालू कर विंध्याचल तक विस्तार करने की मांग की। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने वाराणसी मंडल द्वारा किए जा रहे रेलवे के विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय रेलवे भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क है, किंतु प्रायः अच्छी ट्रेनें विलंब से चलती हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि प्राइवेट ट्रेनों की तर्ज पर भारतीय रेल को गाड़ियों का समय पालन में सुधार किया जाना आवश्यक है। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के जो संसदीय क्षेत्र हैं उनके माननीय सांसदों की बैठक थी और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव सांसदों और उनके प्रतिनिधियों ने दिए, उसको हम लोग नोट कर लिया और उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी ताकि जनता की समस्याएं दूर हो सकें। मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? मुख्य रूप से काम जल्दी कराने का और कुछ ठहराव की मांगे थी, उनको हम लोग देखेंगे। सभी मांगों पर विचार किया जाएगा, सभी पर विचार किया जाएगा और आगे इनको जो अपनी रिपोर्ट किया उनको बोर्ड भेजेंगे। कुछ मंडल स्तर के कार्य हैं, कुछ हमारे स्तर के हैं, उनको हम यहीं निपटा देंगे और जो रेलवे बोर्ड लेवल के हैं उनको रेलवे बोर्ड भेजा जाएगा। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। नैक एक्रेडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। एडमिशन ओपन फॉर बीबीए, बीसीए, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएफए, बीम्यूज, बीटीसी, डीएलएड and B.Ed, B.P.Ed, Bachelor of Library Science, B.A, Mass Comm, and M.A, M.Comm and M.F.A. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat for Humanity. डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1,00,000 से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएँ प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गाकुंड वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542-2310155 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है, ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। दो गज की दूरी का पालन करें।
स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव, वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। गंगा का जलस्तर घटने के बाद जगह जगह मिट्टी व कीचड़ के शिल्ड जमा हो रही है, जिससे दुकानदारों व पुरोहितों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। गंगा का जलस्तर धीरे धीरे कम होने के साथ ही घाटों पर सिल्ट जमा हो गया है, जिससे दुकानदारों, दर्शनार्थियों और तीर्थ पुरोहितों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। घाटों पर लगभग 3 से 4 फीट तक मोटी सिल्ट जमा हो गई है, जहां पर दलदल बन गया है। वहीं सुबह बनारस के मंच के पास 2 पंप लगाकर सफाई तो प्रारंभ हो गई है, परंतु पुराने घाट की तरफ जो रैंप बना हुआ है तथा जो रास्ता पुराने 80 घाट पर जाता है, वहां पर अभी तक सफाई प्रारंभ नहीं हुआ है। गंगा स्नान व दर्शन करने आए लोग भी सिल्ट जमा होने कारण दूर से ही माँ गंगा को प्रणाम कर वापस लौट जा रहे हैं। वहीं घाटों पर रहने वाले तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि महालया प्रारंभ होने वाला है, जिससे घाटों पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। अगर जल्द ही सफाई प्रारंभ नहीं किया गया तो लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। घाट पर रहने वाले लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द ज्यादा पंप लगाकर जमा हुए मोटे सिल्ट को हटा देना चाहिए। उनका कहना है कि अभी सिल्ट गीला है, जिसको हटाने में कम समस्या होगी। अगर यही सिल्ट धीरे धीरे सूख जाएगा तो काफ़ी कठिनाई होगी इसे हटाने में। इस समय गंगा का जल स्तर बहुत तेज़ी से घट रहा है, जिसकी वजह से मिट्टी का सिल्ट घाटों पर जमा है और आम जनता को आने में भी परेशानी हो रही है। प्लस जो यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, जो छोटे मोटे दुकानदार लोग हैं, नाविक लोग हैं, सभी के रोजगार पे इस समय खतरा गहरा गया है और सरकार अभी तक ना किसी तरह की व्यवस्था नहीं की इस मिट्टी को हटाने को, इस मिट्टी की सिल्ट को हटाने को, जिससे कि आम जन और लोकल नागरिक सब लोग परेशान हैं। यहाँ से जाके लोग तुलसी घाट और उधर साइड में जाके लोग नहाए हैं, इधर पानी की समस्या बहुत, गंगा जल काफ़ी दूर हो गया है, मिट्टी काफ़ी सिल्ट पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से स्नान 80 घाट पर टोटल बंद हो चुका है। और यहाँ पर्यटक आते हैं 80 घाट के नाम से। 80 घाट पर मोदी जी ने यहाँ पे स्वच्छता अभियान का भी शुरुआत यहीं से उन्होंने किया था और उन्होंने खुद फरसा चला के इस सिल्ट को हटाने की व्यवस्था की थी। और उसके बाद अब इस समय यहाँ इतना सिल्ट जमा हुआ है, मिट्टी नहीं हटेगा। अभी 10 दिन में, आज 3 तारीख हो गया, 10 तारीख से पितृपक्ष का चालू हो जाएगा, तो दुनिया से काफी यात्री यहाँ पे हर जगह आएंगे। शनिवार को नमामि गंगे की टीम ने 80 घाट पर सफाई अभियान चलाया। शनिवार को नमामि गंगे टीम ने 80 घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। गंगा की बाढ़ में जमी मिट्टी से पॉलिथीन और करीब 200 किलो कपड़ों को निकाला गया। बाढ़ की वजह से गंगा किनारे पड़े अन्य प्रदूषित कर रहे कूड़े कचरे को कार्यदायी संस्था विशाल प्रोटेक्शन फोर्स की कूड़ा गाड़ी तक पहुँचाया। 80 घाट पर सबका साथ हो, गंगा साफ हो की गूंज रही। गंगा किनारे गंदगी न करने की अपील की गई। काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा में बाढ़ के कारण जमी मिट्टी में कपड़े, पॉलिथीन व अन्य प्रदूषित करने वाली सामग्रियां भी हैं। प्रदूषित सामग्रियां गंगा में न जाएं, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। सनातनी संस्कृति की धरोहर माँ गंगा का संरक्षण करना हम सभी का परम दायित्व है। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सहसंयोजिका बिना गुप्ता, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, एसके वर्मा, अनूप जोशी, शांतम सक्सेना आदि उपस्थित रहे। आज सुबह बनारस के परिसर पर कई प्रकार के कपड़े, पॉलिथिन, गंगा को प्रदूषित करने वाली सामग्रियां निकाल कर कूड़ेदान तक पहुँचाया है और जनमानस से हम यह अपील करते हैं कि गंगा में कपड़ों का विसर्जन न करें। बाढ़ के बाद पता नहीं कितने टन कपड़े गंगा में बहकर मिट्टी में समाहित हो जाते हैं, पॉलिथीन यहाँ पड़ी रहती है और उन सबको गंगा में दोबारा न जाए, यह सबकी जिम्मेदारी है कि कपड़े, पॉलिथीन गंगा में न जाएं। हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि सबका साथ हो, गंगा साफ हो, और इसी मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए गंगा में कोई भी प्रदूषित सामग्रियों का विसर्जन न करें। 80 घाट पर उपस्थित लोगों को हमने यह समझाया है, बताया। शुक्रवार को भदेनी स्थित लोला कुंड में स्नान करके वस्त्र छोड़ने की प्रथा है। अनुमानित स्तर पर करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने यहां स्नान किया। भदेनी से लोलारत कुंड में लाखों श्रद्धालुओं का भीड़ लगता है, यहां पर लोग स्नान करने आते हैं। यहां पुत्र की कामना को लेकर यह स्नान किया जाता है। मानता है कि यहां पर जो भी दंपत्ति नहाने पहुंचते हैं वह अपने शरीर का सारा वस्त्र और गहने कुंड पर ही छोड़ देते हैं तथा नवीन वस्त्र धारण करके निकलते हैं। इस दौरान छोड़े गए जूता, चप्पल और कपड़ों का जाल लग गया है, जिसको हटाने में 3 से 4 दिन का समय लगता है। वहीं कुंड में अनेकों प्रकार के फल भी पड़े हुए हैं, जिसको धीरे धीरे निकालने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 2 लाख लोगों ने स्नान किया है, तो उनके कपड़े भी वहां पर पड़े हुए हैं। वहीं
रहने वाले मल्लाहों का कहना है कि इन कपड़ों को इकट्ठा करके बांट दिया जाता है, परंतु कैमरे पर न बोलने वाले एक शख्स ने बताया कि इन कपड़ों का लाखों का कारोबार होता है। इन कपड़ों को गिनती करके बेचा जाता है तथा मार्केट में ले जाकर फिर कपड़ों को साफ सफाई करके ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता है। यहाँ पर आए, स्नान किए, ये अपना कपड़ा उपड़ा वगैरह यहाँ पर छोड़ के जाते हैं। और यहाँ पे ये भी है कि रोग दोष के लिए, जो कि चमड़ रोग होता है, उसके लिए भी यहाँ पर स्नान करते हैं लोग। तो लगभग कितने कपड़ा छूटा हुआ है और किस तरह से सफाई चल रहा है आपकी? सफाई तो जोरों शोरों से यहाँ करवाया जा रहा है। अब इतने ज़्यादा संख्या में है तो 2-3 दिन 4 दिन तो लगेगा ही। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने सुबह सपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर पर तीखे कटाक्ष किए। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने सुबह सपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसते हुए कहा कि ओम प्रकाश की छड़ी सहारा खोज रही है, वो इस समय बेसहारा हो गई है और मोदी योगी के गुणगान इस आस से हो रही है क्योंकि उन्हें सहारा चाहिए पर भाजपा में उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। उक्त बातें श्री राजभर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा। उन्होंने लखनऊ में NCR मॉडल को बहुपयोगी बताया और कहा कि जल्द ही कानपुर को भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तरह डेवलप किया जाएगा। लखनऊ में भी कहा कि ओम प्रकाश राजभर की छड़ी सहारा खोज रही है, आप बिना सहारा की वो बेसहारा हो जाती है। लेकिन अब सुन तो भाजपा वाले गा रहे हो। नहीं, हमारे यहाँ कोई जगह नहीं, कोई वैकेंसी नहीं, कोई वो उनका मन करे वो अपना। मैं क्या कह रहा हूँ कि वो सहारा खोज रहे हैं, जो कभी योगी जी पे मोदी पे हावी रहते थे, आज उनकी सहारा खोजने का वो एक उनका प्रयास है। क्या उम्मीद रखता है कि सहारा मिलेगी? नहीं, यहाँ कोई वैकेंसी नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के अंतर्गत संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल कोईराजपुर वाराणसी में निपुण भारत मिशन एवं ऑपरेशन कायाकल्प के प्रभारी क्रियान्वयन हेतु कार्यशाला का आयोजन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्राथमिक प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से दीपक अग्रवाल आयुक्त वाराणसी मंडल वाराणसी एवं विजय किरण आनंद महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देशन में 8 सितंबर को 10 बजे सुबह से संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल कोईराजपुर वाराणसी में निपुण भारत मिशन एवं ऑपरेशन कायाकल्प के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्यशाला आयोजित होगा। इस संदर्भ में पुलिस लाइन स्थित अपने ऑफिस में मीडिया के साथ बातचीत में AD बेसिक ने बताया कि उक्त कार्यशाला में जनपद के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, डायट प्राचार्य, जिला पंचायत राज अधिकारी व विकास खंड अधिकारी, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, अकादमिक रिसोर्स पर्सन, स्टेट रिसोर्स ग्रुप्स, जिला समन्वयक आदि शामिल होंगे। कार्यशाला में नगर क्षेत्र के विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का संतृप्तिकरण तथा निपुण भारत मिशन की जानकारी, निपुण भारत लक्ष्य का व्यापक गतिविधियों का क्रियान्वयन, सपोर्टिव सुपरविजन, प्रिंट रिच मटेरियल पर चर्चा होगी। हम लोग निपुण भारत की कार्यशाला करने जा रहे हैं मंडल स्तर की, जिसमें निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन और इसका त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारण के संबंध में कार्यशाला है, जिसका अध्यक्षता माननीय आयुक्त महोदय वाराणसी करेंगे और DG स्कूल शिक्षा लखनऊ करेंगे। तो ये कब से होने वाला है? ये 8 सितंबर को होगा, तय हो गया है। इसमें समस्त चारों जिले के समस्त DMगण, CBOगण, DIOs, BSA, डाइट प्राचार्य और DPROs, ARG, SRP, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, इतने लोगों के प्रतिभागिता सुनिश्चित है। जनपद वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर। कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में मारवाड़ी युवा मंच गंगा शाखा द्वारा सिंघारा महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। मारवाड़ी युवा मंच गंगा शाखा के तत्वाधान में शुक्रवार को कैंटोनमेंट स्थित होटल में महिलाओं द्वारा सिंघारा महोत्सव का रंगारंग आयोजन किया गया। बनारसी समावेश में रंग बिरंगे परिधानों में सजी महिलाओं ने बनारस की संस्कृति, गायन, नृत्य, गेम्स, हौदी से कार्यक्रम को शानदार बना दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राधा तुलस्यान, मंजू बबुना, विशिष्ट अतिथि द्रौपदी रतेरिया का संस्था की ओर से रजनी कनोडिया, नेहा गिनोडिया, स्मिता लोहिया ने अंगवस्त्रम व गुलदस्ता प्रदान कर सम्मानित किया गया। सिंधारा में कार्यक्रम की थीम बनारस की प्रख्यात संस्कृति, बनारस के नृत्य घराने पर रखी गई। इस संस्कृति को स्वर्गीय पंडित बिरजू महाराज के नृत्य की प्रस्तुति गुंजन बबुना प्रीति बाजोरिया ने की।
बनारस का चित्रण करते हुए शाखा के सदस्यों ने नृत्य प्रस्तुत किया। शाखा सर्वप्रथम मधुशाह, मीता मरेलिया, प्रेमलता अग्रवाल, रश्मि केजरीवाल, श्रद्धा अग्रवाल, स्मिता प्रहलाद का, बबिता अग्रवाल, अनीता भालोटिया ने गणेश वंदना की। तत्पश्चात बनारस की थीम पर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ, कीर्ति नेतु, प्रेरणा, पिंकी, खई के पान बनारस वाला, स्मिता लोहिया, सुनीता कंदोई, रितु शाह, सिल्क ने प्रस्तुति दी। इस दौरान महिलाओं ने बनारसी स्वादिष्ट व्यंजन का भी लुत्फ उठाया। साथ ही होटल को भी अनेक प्रकार के फूल रंगीन कपड़ों से बनारस के घाटों व गलियों का लुक दिया गया। इस दौरान संयोजक मनीषा अग्रवाल, वंदना अग्रवाल, गुंजन बुबना, प्रीति बाजोरिया, रजनी कानोडिया, नेहा गिनेटिया, स्मिता लोहिया, अनीता सिंघानिया, नीतू नवलगढ़िया, बिंदिया अग्रवाल, गरिमा अग्रवाल, सुनीता कंदोई, रितु शाह, निशा अग्रवाल थी। बनारस थीम का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, इसमें 4 कन्वीनर्स हैं, उन्होंने ये पूरी बनारस की गलियों को और खान पान को ये हम लोगों को बना लेके चल रहे हैं। तो हम लोग ये गंगा घाट का भी इसमें हम लोग पीछे से फोटोग्राफी कराए हैं, एडिट करा करके हम लोग सारी बनारस की एक एक चीज़ों को हम लोग उभारे हैं। तो हम लोगों का बेसिक थीम बनारस थीम है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत, नमस्कार। लाइव सच के साथ।